केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाएं जुलाई में होंगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि CBSE की बची हुई 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच होंगी। गौरतलब है कि CBSE की बची हुई परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों को लंबे समय से इंतजार था। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वो 10वीं और 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप अपनी तैयारियों को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बहुत दिनों से आपके मन में था कि जो छूटे हुए पेपर हैं CBSE बोर्ड के, वो कब होंगे, और जैसे हमने पहले भी कहा था कि आपको अच्छी सी तैयारी करिए। अब जो CBSE बोर्ड के जो बचे हुए पेपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, वो बचे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 तारीख से और 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे, और आपको अच्छा ये अवसर मिलेगा जब आप उसकी अच्छी सी और तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो संपूर्ण भारत में जो इंटर के हैं वो मात्र 12 मुख्य विषय हैं, और जो मुख्य 12 विषय हैं उन्हीं पर इंटर का लेना है, जिसमें दिल्ली के जो हाई स्कूल पूर्वी जिले के जो छूट गए थे, हाई स्कूल के जो 6 पेपर छूटे थे, और जो 12वीं की कुल मिलाकर के पूर्वी जिले दिल्ली के जो प्रस्तुतिवश नहीं हो पाए थे उनके लगभग 23 पेपर थे, तो वो भी ये सारे प्रश्न पत्र विषयों के, मूल विषयों के, ये 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होना निश्चित है। मेरी शुभकामना है कि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। गौरतलब है कि इस वक्त देश में कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए तीसरे चरण का लॉकडाउन चल रहा है, जो कि 17 मई तक है। लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब इन परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी गई है। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी इन परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करें। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक पेपरों के नंबर आंतरिक मूल्यांकन के जरिए दिए जाएंगे, सिर्फ मूल विषयों के ही पेपरों का आयोजन होगा। रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यार्थियों से लॉकडाउन का फायदा उठाने और इन परीक्षाओं को लेकर अच्छे से तैयारी करने का निवेदन भी किया है। निशंक ने बताया कि 12वीं कक्षा के 12 विषयों के पेपरों का आयोजन किया जाएगा। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।